देश में दिल्ली से भी बड़ा दंगा होता है हिजाब के नाम पर। हैरान हो जाएंगे आप जो खबर आपको बताने जा रहा हूं। बेशरम तुम हो, बेशरम कि जब चाहती हो हिजाब पहनती हो और जब चाहती हो जब चाहती हो तुमसे लहराती हो। बेशरम तुम जैसी औरतें हैं। तू तो भक्का बदमाश है एक नंबर का। ऐसे कमीनों के साथ मैं डिबेट अटेंड नहीं करता। नहीं नहीं, डिबेट बंद। गाली नहीं। ये कांग्रेस के ही अनसीन हैंड्स थे जिसका पर्दाफाश कोर्ट ने किया। चलिए एक सवाल। कादरी जी पर्सनल नहीं होते, मैं पर्सनल पर आ गया तो आप बैठने लायक नहीं रहेंगे। सवाल पूछता हूँ, सवाल। हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। ये सुनते हैं हाई कोर्ट का हिजाब पर फैसला आ जाने के बाद कट्टरपंथी मुल्लाओं और पार्टियों के रिएक्शन पर कुछ फेमस देशभक्त मुस्लिमों ने डिबेट में प्रूफ के साथ कैसी धज्जियां उड़ाई हैं। आइए सुनते हैं। हैरान हो जाएंगे जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये कहीं नहीं, ये पूरा कोर्ट का ऑर्डर जो है उसके 127वें पन्ने पर क्या है ये कहीं आपको नहीं पता लगेगा। ये मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं क्योंकि कोर्ट ने क्या कहा, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत बड़ी खबर है। कोर्ट ने कहा कि मैं हैरान हूं कि कैसे अचानक एक शिक्षण सत्र के बीच में हिजाब का मुद्दा पैदा होता है और कुछ शक्तियां, कोर्ट ने लिखा है अनसीन हैंड्स, ये कोर्ट का कॉपी भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, इसको फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए एक बार क्योंकि हाई कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला है। शहजाद पूनावाला इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर सैयद रिजवान साहब हैं, रिलीजियस कमेंटेटर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सायदा फलक जी हैं जो कि ऑल इंडिया एमआईएम का पक्ष रखेंगे और मौलाना अली कादरी साहब भी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शहजाद, बच गए भाई, बाल बाल बच गया देश जी। आज पूरी तरीके से स्पष्ट है कि हिजाब बहाना था, दंगे भड़काना था, क्योंकि वोट कमाना था, यूपी पर निशाना था। ये कांग्रेस के ही अनसीन हैंड्स थे जिसका पर्दाफाश कोर्ट ने किया। इसमें एक चीज कॉमन है, हर जगह ना महिलाओं, बच्चियों और महिलाओं को आगे कर दिया जाता है। अब सीएम में वो शाहीनबाग वाली दादी याद करिए, यहां पर भी महिलाओं को आगे कर दिया जाता है, खुद पीछे हट जाते हैं। मतलब वैसे लड़ना है तो सामने आके लड़िए ना भाई, पीछे जी। हाई कोर्ट का जो फैसला है मैं उससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि एक स्टेट को नहीं चाहिए कि वो किसी के रिलीजन में इंटरफियर करे। ये राइट टू रिलीजन, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू कॉन्शियंस, सबका वायलेशन है। और ये जो चीज कराना आपका राइट टू रिलीजन नहीं है, दंगा कराना राइट टू स्पीच नहीं है, दंगा राइट टू कराया, दंगे का ही तो प्लान था। ये तो कोर्ट कह रहा है, मैम आपने पढ़ा नहीं है, ऑर्डर पढ़ा है अपने कोर्ट का। मैं मानती हूँ इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है, और मेरा ये मानना है कि इसके पीछे जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी लाना चाहते हैं उनका हाथ है। वो हिंदुत्व वाले थोड़ी ना हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, शरिया नहीं चलेगा, यहाँ संविधान चलेगा, हाईकोर्ट चलेगा, शरिया यहाँ नहीं चलेगा। फिर मैं आ रहा हूँ, अंबर जैदी भी हैं, डॉक्टर रिजवान अहमद भी हैं, आप बोलिए बोलिए शहजाद। अमन जी ये तस्वीर जरूर देखिएगा, सेकंड मुझे बात करने दीजिए, ये तस्वीर जूम कीजिए, ये सैदा फलक है, इंटरनेशनल कराटे चैंपियन। तो अपनी खुद की जब बात आती है तब तो हिजाब हटा के कराटे करना है, परंतु बच्चियों को राजनीतिक मकसद से हिजाब के चंगुल में कैसे फंसा कर, कैसे उनको भड़का कर, दंगे लगा कर वोट कमाने के लिए झूठ परोसना है, और इसी झूठ का आज पर्दाफाश कोर्ट ने किया है। ऐसा ही एक फैसला 1985 में, डॉक्टर रिजवान अहमद मैं आपके पास आ रहा हूं, 1985 में शाबानो मामले में आया था जिसमें मुस्लिम महिलाओं की जीत हुई थी और कट्टरपंथी मौलानाओं की हार हुई थी। तब की सरकार ने कट्टरपंथी मौलानाओं के दबाव में आते हुए कोर्ट के फैसले को पलट दिया। मुझे एक बात अमन भाई समझ में नहीं आती, इतनी बेइज्जती और इतनी जिल्लत उठाने के बाद ये लोग हाई कोर्ट में मुंह की खाकर फिर से डिबेट में आ कैसे जाते हैं? या तो ये लोग बहुत बेहद बेशरम हैं, या इन लोगों को यही नहीं पता कि बेइज्जती होती क्या है। दूसरी बात, शहजाद भाई आपसे एक शिकायत है, आपने बहन फलक की फोटो दिखाई बिना हिजाब के कराटे करते हुए। ये देखिए फलक की पार्टी की फोटुआ, पार्टी की देखो शहजाद, पार्टी की देखो, ये देखो ये देखो, ये जो आज हिजाब पहन रखा है ये जुल्फे लहरा रही हैं, ये देखो शहजाद, देखो भाई क्या बात करते हो। शहजाद और रिजवान आप लोग बार बार कोई असल मुद्दे पे बात करो ना भाई, मैं बहुत बार जो बोल चुकी हूँ नेशनल मीडिया पे, मैं पहले हिजाब नहीं करती थी, अब करती हूँ। आप हंस लो, आप रावण दिख रहे हो, आप जोकर दिख रहे हो, जोकर जोकर
जोकर, मैं पहले नहीं पहनती थी, अब पहनती हूँ, मैंने कराटे नहीं छोड़ा, मैं आगे भी देश को रिप्रेजेंट करूंगी, देश के लिए जीतूंगी, पूरी कोशिश करूंगी जीतने के लिए, और हिजाब पहन के पुलिस वालों ने अलाउ किया है, आयरलैंड गवर्नमेंट ने बात खत्म कर लूं जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहरूपिये हैं, ये नौटकबाज हैं। अच्छी बात बोली आपको, अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। तो पार्टी में जाते हैं बिना हिजाब के और टीवी में आके बैठ के हिजाब पहनते हैं और मुसलमानों को भड़काती हैं ये लड़कियां, ये नाटकबाज हैं। कितने बार क्लियर करना चाहिए, कितने बार क्लियर करूं, समझ नहीं आता, दिमाग में क्या खाना खाते हो, भांस खाते हो क्या, चुप रहो, समझ नहीं आता, कितने बार क्लियर करूं, चुप, तुम चुप रहिए, इस बात करने की जरूरत नहीं है औरतों से, बेशरम, चुप रहिए, जब औरतें नाटकबाजी करने लगे तो उनके साथ तमीज से बात नहीं करी जाती, इस्लाम के नाम पर भड़काना बंद करो, इस्लाम के नाम पर नौटंकी बंद करो, बेशरम, जब पार्टी में जाओगी अपनी सुर से लहराओगी, जब चाहोगी जब चाहोगी हिजाब पहन के आ जाओगी, अपब्रिंगिंग के बारे में पता चलता है, तुम्हारी बच्ची हो, बच्ची हो, कराटे करने तुम्हारे कान में कराटे करो, देश में जहर से फैलाओ, समझे, बोलने वाले लहराओगी और जब चाहोगी हिजाब लपेट के आ जाओगी, नाटक करने के लिए आगे करूंगी, तुम तुम्हारी ये मर्जी है तो मैं ये सेंशन नहीं हो सकता, अगर तुम्हारी मर्जी है तो ये सेंशन नहीं हो सकता, तमीज सीखो औरतों से बात करने की, तमीज सीखो पहले औरतों से बात करने की, बेशरम तुम हो, बेशरम तुम हो, बेशरम, कि जब चाहती हो हिजाब पहन लेती हो और जब चाहती हो जब चाहती हो तुम से लहराती हो, बेशरम तुम जैसी औरतें हैं, तुम जैसी औरतें हैं, बदतमीज आदमी, रावण रावण, बदतमीज, शैतान शैतान, लानत हो तुम पर। देखो जोकर हंसता है, जोकर की तरह पागल है, देखिए एक मिनट। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू। अंबर जैदी, मैं अंबर जैदी के पास जा रहा हूँ। अंबर, यही लड़ाई थी मेरे ख्याल से, एसेंशियल है या नहीं है, हाई कोर्ट ने कहा एसेंशियल नहीं है। जी बिल्कुल, और ऐसी कई सारी कोर्ट्स की, हाई कोर्ट्स की रूलिंग रही थी जिसमें बॉम्बे, केरला और मद्रास हाई कोर्ट की रूलिंग से, जिसमें सिमिलर हमने जजमेंट्स देखे थे, जिसमें कहा गया था कि हिजाब इज नॉट एसेंशियल टू इस्लाम। और जो एक बार फिर से कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि ये एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है इस्लाम में। अली कादरी, उसके बाद शहजादा आपके पास आऊंगा। अगर एक को चुनना है, हिजाब या शिक्षा, तो किसको चुनेंगे आपके हिसाब से? कादरी जी, देखिए अमन, हम शिक्षा भी हासिल करेंगे, हम अपनी शरीयत पर भी चलेंगे, इस्लाम का दामन भी पकड़े रहेंगे। हर कोर्ट का मैं आदर करता हूँ, लेकिन उससे बड़ा जो कोर्ट है जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, मैं उसमें अपियर होने वाला हूँ। नहीं, एक मिनट, जब तक स्टे नहीं मिलता मेरा सवाल है, क्योंकि आप लोगों के लिए कोर्ट और संविधान से बड़ा कुछ नहीं है ना कादरी जी। अब क्योंकि कोर्ट ने कह दिया है कि हिजाब नहीं क्लासरूम में, तो आप एक बार बोल दीजिए, जब तक फैसला नहीं आता, फैसले पर स्टे नहीं होता, तब तक मैं बोलता हूँ मौलाना अली कादरी की बच्चियां क्लासरूम में हिजाब ना पहने, एक बार बोल दीजिए आप, क्योंकि कोर्ट से बड़ा कुछ ही नहीं है ना आप लोगों के लिए। बच्चियां स्कूल को ना जाए, 8 दिन की छुट्टी मनाए, स्कूल को ना जाए, ये देखिए, स्कूल को ना जाए, 8 दिन की छुट्टी मनाए, चेहरा देखिए इनका, इनके लिए शिक्षा से बड़ा शरिया है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अमन चोपड़ा, अरे यार तुम ऐसे ही हरकत करके जी की नौकरी छोड़ दिए, अब यहाँ से भी जाओगे क्या? सर, तुम आपकी कितनी नौकरियां छूट गई, मेरी नौकरी की टेंशन मत लीजिए सर, देश बहुत बड़ा है, मेरी नौकरी की टेंशन मत लीजिए सर, मेरा धर्म आड़े नहीं आता, अरे यार मेरा धर्म आड़े नहीं आता, फैलाओगे तो तुम मीडिया से। चलिए 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 चलिए, एक सवाल कादरी जी, पर्सनल नहीं होते, मैं पर्सनल पर आ गया तो आप बैठने लायक नहीं रहेंगे, सवाल पूछता हूँ, सवाल आपके मसले में, ना बीजेपी ना कांग्रेस, छोड़िए ना बीजेपी कांग्रेस, बच्चियों की मामला है, बच्चियों का मामला है, आप कह रहे हैं कि जब तक फैसले पर स्टे नहीं, बच्चियां स्कूल ना जाए, कह रहा हूँ ना, बच्चियां स्कूल ना जाए, पॉलिटिकल, बच्चियां स्कूल ना जाए, बच्चे स्कूल जाए ना जाए बिना हिजाब के, अब या छुट्टियां ले लें। कोविड लगा तो कई महीनों बच्चियां स्कूल नहीं गई, ठीक है, अब ये 8 दिन अगर नहीं जाएगी तो कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, मतलब किताब से बड़ा हिजाब है, शिक्षा से बड़ा शरीयत है, और किताब से बड़ा हिजाब है। चलिए बोलिए आप शहजाद। देखिए यहाँ पर जो रिजवान जी ने बोला, वो किसी को व्यक्तिगत रूप से टारगेट नहीं कर रहे थे, वो केवल एक पॉइंट बता रहे थे कि इस्लाम में हिजाब एसेंशियल अगर होता तो कोई भी व्यक्ति कराटे हो या कोई और अन्य कार्यक्रम हो उसके लिए हिजाब नहीं निकालता, मतलब हिजाब एसेंशियल
ऑफिशियल नहीं है। इकरा पहला शब्द है कुरान पाक का, पहला शब्द है पढ़ो इकरा। ये कह रहे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अरे मौलाना, सुप्रीम कोर्ट ने तो शाहबानू को भी अधिकार और विकल्प दिया था, उस विकल्प के तो खिलाफ आपकी जमात खड़ी हो गई थी। मेरे ख्याल से बोल लीजिए कादरी जी, आपको बोलना चाह रहे हैं, फिर मैं डॉक्टर रिजवान अहमद आ रहा हूँ। सुनिए, हमारे पास शिक्षा के भी जो है बहुत माने हैं, हमारे अपनी शरिया के भी बहुत माने हैं। हम शरिया के साथ साथ शिक्षा हासिल करेंगे, जितना हायर एजुकेशन अलाउड नहीं है ना हमारी, नहीं अलाउड होगा, सुप्रीम कोर्ट से हमें हक मिलेगा सर। और जब तक नहीं होता तब तक जब तक नहीं होता तब तक नहीं जाना चाहिए। 8 दिन के लिए कोविड में 8 महीने नहीं गए, 8 दिन की क्या बात है? अच्छा 8 दिन बच्चियां स्कूल ना जाएं। आपको मुस्लिम खवातीन शरिया के हिसाब से टीवी पर आना मना है, बतला दिया। सही बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं? चॉइस है सेंसर प्रैक्टिस डॉक्टर रिजवान अहमद, और वो कह रहे हैं कि बच्चियां स्कूल ना जाएं 8 दिन तक। ये दो सवाल है, बच्चियां स्कूल ना जाएं 8 दिन तक डॉक्टर रिजवान अहमद? कादरी साहब ने आज हिंदुस्तान के सामने ये बोल के कि कोविड में भी तो 1 साल स्कूल बंद रहा, अगर बच्चियां स्कूल नहीं जाती तो कोई बात नहीं, साबित कर दिया कि कादरी कितना जाहिल इंसान है। पहली बात, पर्सनल ना होए हम, पर्सनल ना हो तो फिर क्या हो? अगर हमारी कौम के मौलाना इतने जाहिल है तो हम पर्सनल ना हो तो क्या हो? अरे कमबख्त, तू जाहिल है, एक नंबर का मर्दूद। क्या बात कर रहे हैं अमन भाई आप? एक नंबर का मर्दूद तू, मुशरिक। दूसरी बात, तू मुसलमान हुआ कैसे? तू तो भक्का बदमाश है एक नंबर का। ऐसे कमीनों के साथ मैं डिबेट अटेंड नहीं करता। नहीं नहीं, डिबेट बंद, डिबेट बंद, डिबेट बंद, गाली नहीं, गाली नहीं, गाली नहीं, गाली। थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। अमन भाई, हाँ बोली बोली। अमन भाई, अभी फलक ने एक बहुत अच्छी बात बोली, उसने कहा कि भाई तब मैं नहीं पहनती थी, अब मैं पहनती हूं, तब मैं मुझ पर हिदायत हिदायत नहीं थी, अब हिदायत है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अमन भाई, हम लोग अपनी पुरानी गलतियों को भूलते रहते हैं। अब पलक बहन हम सबसे वादा करेंगी कि अब वो अपनी इंस्टाग्राम से जितनी भी फोटोआ बिना हिजाब के हैं उन सबको आज शाम तक वो डिलीट कर देंगी। पलक डिलीट वो करोगी? कौन होते हो बोलने वाले? मैं करूंगी ही नहीं करूंगी। डिलीट करोगी? Who the hell are you? आप कौन होते हो बोलने वाले? फ्रीडम ऑफ चॉइस आपको समझ नहीं आ रहा? खाना नहीं खाते हो? जय हिंद जय भारत। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाल सब्सक्राइब को टच कर लाइक कर दें और घंटी के निशान को टच कर ऊपर की बेल ऑन कर लें, जिससे ऐसे नॉलेजेबल और सोशल अवेयरनेस की वीडियो आपके और देश के सामने आती रहे। जय हिंद।